राजधानी लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अनुसचिव इक्षाराम गिरफ्तार। मीडिया में वीडियो वायरल होने पर पुलिस जागी, महिला के बार बार शिकायत करने पर भी नहीं हो रही है कार्यवाही। महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ने यौन शोषण और अश्लीलता का लगाया था आरोप। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने की कार्यवाही। सेक्शन इंचार्ज इक्षाराम यादव के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। पीड़ित महिला सचिवालय में 2013 से संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर पद है तैनात। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के निवासी पीड़िता ने कराई थी FIR दर्ज। एक हुसैनगंज कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। इस महिला ने आरोप लगाया है कि बापू उनका सचिवालय का एक व्यक्ति उसको परेशान कर रहा था। किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन है और अभी तक की गिरफ्तारी कैसी? 29 अक्टूबर को हमारे पास ये पुलिस को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। एक महिला है जो सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे संविदा कर्मी है, उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि एक वहाँ अनुसचिव हैं इच्छाराम यादव, उनके द्वारा उनका यौन उत्पीड़न और अन्य तरह से उनको हैरेस किया जा रहा है। उसी क्रम में तत्काल कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें 354, 294, 506 IPC धारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसी क्रम में विवेचना में महिला के सहयोग से साक्ष्य संकलन करते हुए आज इच्छाराम यादव जो हैं मुख्य आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जा रहा है। ये बात उठी कि शख्स की गिरफ्तारी देर से हुई, जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। देखिए, इस दौरान क्योंकि महिला से संपर्क करके अन्य तथ्यों की जानकारी करना विवेचना में आवश्यक था, और क्योंकि उनके द्वारा एक लॉन्ग टर्म 2018 से लेकर अब तक के उत्पीड़न के संबंध में उन्होंने शिकायत दर्ज की थी, तो इतने लंबे समय से उत्पीड़ित होने के कारण कई मामलों में उनसे साक्ष्य संकलन किया गया और इसी दौरान अब उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। थैंक यू।